आईसीएमआर ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है और इससे सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को और उन लोगों को है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। इस मामले में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है उसे लेकर मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, तमाम तैयारियां कर ली गई है और बच्चों के लिए भी अस्पतालों में अलग से विशेष इंतजाम किए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी अधिकांश जगह शुरू हो गए हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। मंत्री प्रभुराम चौधरी से खास बात किया नादी टीवी संवाददाता अंकुर अद्वर्यू ने। आईसीएमआर ने तीसरी लहर की आशंका जताई है, निश्चित तौर पर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है ऐसा कहा गया है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं। सर, तीसरी लहर की आशंका जताई आईसीएमआर? तीसरी लहर की आशंका आईसीएमआर ने जताई है। मैं तो मध्य प्रदेश के आम नागरिकों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी हमें पूरी सावधानियां बरतना है। वैक्सीनेशन के लिए जो महाअभियान हम लोगों ने चलाया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सफल हुए हैं। फर्स्ट डोज मध्य प्रदेश के जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसमें 88% से अधिक लोगों को हम लोग लगा चुके हैं और सेकेंड डोज के लिए भी जो पात्र लोग हैं उनको भी लगा रहे हैं, एक एक व्यक्ति को ढूंढ कर लगा रहे हैं जिससे कि हमारी जनता सुरक्षित रहे। दूसरा रही बात तैयारियों की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने लगातार पिछले 2-3 महीनों से हम लोगों ने प्रयास किए हैं कि अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड को जो बढ़ाने के आदेश दिए थे वो बनकर तैयार हों, ऑक्सीजन की लाइनें भी बिछाई हैं, एचडीओ के लिए बेड भी बढ़ाए हैं और बच्चों के लिए जो जिन जिलों में पीआईसीयू के बेड नहीं थे वो पीआईसीयू की भी स्वीकृतियाँ दी हैं। कई जिलों में बनकर तैयार हो गए हैं, जहाँ कुछ जगह बचे हैं वहाँ पर काम चल रहा है। ऑक्सीजन के प्लांट हम लोगों ने स्वीकृत किए, लगभग 201 ऑक्सीजन के प्लांट स्वीकृत किए थे, 136 से अधिक के बनकर तैयार और क्रियाशील हो चुके हैं, बाकी पर भी काम तेजी से चल रहा है। तो मैं तो आम नागरिकों से ये अनुरोध करूंगा कि पूरी सावधानी बरतने, प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। आपने कहा वैक्सीन की जाना से 30 सितंबर तक ये था कि पहला डोज मध्य प्रदेश के लोगों को लग जाए, लेकिन अभी भी बहुत संख्या में लोग बचे हुए हैं। लगभग हमारा, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, 88% से ज्यादा जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन थी उनको हम लोग फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। कई नागरिक जो माइग्रेट हो गए हैं दूसरे प्रदेशों में हैं, कई लोग जो कि मतलब बीमारी के कारण नहीं लगवा पा रहे हैं, और इसके लिए भी हम लोगों ने पूरा जागरूक किया है, ढूंढ ढूंढ कर एक एक व्यक्ति को जहाँ जहाँ लोग हैं उनको हम लोग लगा रहे हैं। कई जगहों पर कटाई वगैरह का काम चल रहा है, वहाँ पर भी हम लोगों की टीमें जा रही हैं। अभी हमने मोबाइल वैनें भी भेजी हैं कि जहाँ लोग हैं उनको जाकर आइडेंटिफाइड करके उनको वैक्सीनेट करें। बिल्कुल, ये थे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, इनका यही कहना है निश्चित तौर पर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद तैयार है और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से नादी टीवी के लिए अंकुर अधवरियो।